जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवाध्यायाणं नमो लोये सपिशाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोचिदं चैव ओंकाराय नमो नमः मंगल में मंगल करन बीत राग बेज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करी मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा जाते समाज सब पावे निज पदराज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोचे उपाय यही मोचे उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडा मदी द्वारा रचित यह महान कृति मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के दूसरे अधिकार पर हमारा स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें हम संसार अवस्था के स्वरूप को जान रहे हैं कि वर्तमान में जो हमारी अवस्था है वो कैसी है और वो जिस कारण से है वो कारण हमने जाना और अब उस कर्म बंधन रूपी रोग के कारण कैसी अवस्था होती है उसको हम जान रहे हैं, जिसमें हम ज्ञान सबसे पहले जो घातिया कर्म है ज्ञानावरण और दर्शनावरण उन दो कर्मों के द्वारा जीव की अवस्था कैसी होती है उस पर विचार कर रहे हैं। तो उसमें हमने पांचों ज्ञानों के द्वारा देखा कि किसी ज्ञान के द्वारा जीव की कैसी प्रवृत्ति है। पांच ज्ञान में से चार ही ज्ञान के द्वारा देखा, केवल ज्ञान तो मूल स्वरूप है। तो उसके बाद हम कल बात कर रहे थे ज्ञान और दर्शन उपयोग आदि की प्रवृत्ति की, जो चैतन्य अनुविधाई जो लक्षण है जो उपयोगमयी जीव का लक्षण है उपयोग उसके दो भेद हैं ज्ञान और दर्शन। उन्हें ज्ञान और दर्शन उपयोग की इस कर्म बंधन के कारण कैसी प्रवृत्ति होती है उस पर हम विचार कर रहे हैं। तो उसपे कल भी हमने देखा काफी कि क्षयोपशम तो जीव को हो सकता है कि क्षयोपशम शक्ति ज्यादा हो, लेकिन उसके बाद भी एक काल में एक विषय का ही जानना देखना होता है। फिर एक विषय में भी हमने देखा कितनी कितनी पराधीनता थी कि किसी एक नियम विषय को जानना, उसमें भी उसके किसी एक प्रभेद को जानना, ऐसा करके हमने काफी देखा कि उपयोग हमारा कितना लिमिट में आके रह गया है कि हमारा क्षयोपशम काफी ज्यादा है। उसके बाद भी हम इतने उस कर्म बंधन के कारण पराधीन है कि हमारा जो उपयोग है वो भी एक लिमिट में रह गया, या फिर कहें कि सिमट के थोड़ा सा रह गया है, ऐसा हमारा उपयोग है। और हमको जो लगता है कि हम अनेक विषयों को जानते हैं देखते हैं, तो उसमें पंडित जी ने बताया था कि जो परिणमन होता है उपयोग का बहुत जल्दी जल्दी होता है और जो समय है उसको हम पकड़ नहीं सकते, समय की जो छोटी इकाई है उसको हम पकड़ नहीं सकते, इसीलिए हमको ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में क्रम से ही जानना होता है हमारा। उसके बाद ये शंका आई थी जिस पर हमने एग्जाम्पल लिया था बस कि एक काल में एक विषय का ही जानना देखना हो रहा है तो ये कहो कि क्षयोपशम इतना ही है, ये क्यों कहते हो कि क्षयोपशम बहुत ज्यादा है लेकिन जानना कम हो रहा है,
जितना जानना हो रहा है उतना छम छम कहो, ज्यादा क्यों कहते हो? तो और फिर यदि ज्यादा कहते हो, शक्ति अपेक्षा कहते हो ज्यादा, तो शक्ति तो आत्मा में केवल ज्ञान आदि की भी है, तो भी केवल ज्ञान आदि कहो। तो उस पे पंडित जी ने एग्जाम्पल दिया था, तो कल हमने देखा था कि पुरुष की बहुत गांव में जाने की शक्ति है, लेकिन किसी ने रोका कि 5 में जाओ, 5 में से भी एक दिन में 1 में जाओ। तो द्रव्य अपेक्षा उसकी शक्ति 5 गांव में जाने की है, लेकिन वर्तमान में वो उसको रोक दिया कि 5 गांव से आगे तुम्हें नहीं जाना। तो उसकी वर्तमान में जो पर्याय में जो शक्ति है, जो व्यक्तपना है, वो 5 गांव में जाने का है, लेकिन 5 गांव में से भी उनको रोका गया कि एक दिन में एक ही गांव में जाना है। तो पर्याय अपेक्षा, देखो, द्रव्य अपेक्षा शक्ति अनेक गांव में जाने की है, पर्याय अपेक्षा शक्ति 5 गांव में जाने की है, लेकिन वर्तमान में व्यक्तता केवल एक ही गांव में जाने की है। नेक्स्ट पेज पे लेना, ये तो एग्जाम्पल हमने कल देख लिया था। तो उसे पंडित जी कह रहे हैं कि उसी प्रकार इसी जीव के सर्व को देखने जानने की शक्ति है, कि इसी जीव की शक्ति तो ऐसी है कि यह एक समय में दिन का 3 लोकों के सर्व द्रव्य गुण पर्यायों को देखे और जाने। उसी जीव की शक्ति तो ऐसी है, और वो शक्ति कैसी है? द्रव्य अपेक्षा शक्ति है, लेकिन उसको कर्म ने रोका और उसको इतना ही छपसम हुआ कि स्पर्श आदि विषयों को जानो या देखो। तो देखो, पर्याय अपेक्षा उसकी शक्ति कितनी हुई कि इतने विषयों को जानो या देखो, कि जैसे वहां पर द्रव्य अपेक्षा उसकी शक्ति बहुत गांव में जाने की थी, वैसे यहाँ पर उसकी द्रव्य अपेक्षा शक्ति एक समय में 3ों कालों और 3ों लोकों को देखने जानने की है, लेकिन जैसे वहां पर 5 गांव में जाने की शक्ति थी पर्याय अपेक्षा, वैसी ही यहाँ पर जितना उसका क्षयोपशम हुआ, कि कर्म का क्षयोपशम जितना हुआ, उतने ही स्पर्श आदि, स्पर्श आदि का मतलब क्या लेना, कि उसका क्षयोपशम इतना है कि वो इतने सारे विषयों को देख सकता है, जान सकता है। तो उसकी पर्याय में, वर्तमान में जो पर्याय में शक्ति है, वो उसकी इतनी है कि वो इतने विषयों को देख सकता है, जान सकता है। परंतु कर्म ने और कैसे रोका उसको कि एक काल में एक ही को जानो या देखो, कि छवसम इतना है कि इतने विषयों को जान सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक काल में एक ही को जान या देख सकते हैं। तो उसी जीव को सर्व को देखने जानने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है। अन्य काल में सामर्थ्य हो, जैसे वहां पर सभी गांव में जाने की शक्ति द्रव्य अपेक्षा थी, वो अन्य काल में हो सकता है कि सामर्थ्य हो, अन्य काल में वह कभी अनेक गांव में चला जाए, लेकिन वर्तमान में सामर्थ्य उसकी इतनी नहीं है कि वर्तमान में उसको रोक दिया कि 5 गांव में ही जा सकते हो। तो वर्तमान में उसकी जो सामर्थ्य है इतनी ही है कि वह अपने योग्य विषयों से अधिक विषयों को देख जान नहीं सकता, और उसमें भी व्यक्तपना कितना है कि एक दिन में एक गांव में जाओ। तो वैसे ही अपने योग्य विषयों को जानने देखने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है, क्योंकि उन्हें देख जान सकता है, तथा व्यक्तता एक काल में एक ही को देखने या जानने की पाई जाती है। देखो, इस कथन से क्या एक चीज और आती है कि जैसे कहते हैं ना कि वर्तमान में हमको मनुष्य पर्याय में इतना छवसम मिला है कि हम स्वयं पर का भेद विज्ञान करके, सम्यक दर्शन ग्रहण करके मुक्ति मार्ग पर चल सकते हैं। इतना वर्तमान में सभी मनुष्यों को और कहें कि संगी पंचेंद्रियों को इतना मिलता है कि वह सम्यक दर्शन ग्रहण कर सकता है, इतना छवसम हमें प्राप्त है, लेकिन वर्तमान में उसकी व्यक्तता नहीं हो रही है, कि वर्तमान में हम विपरीत ही जान रहे हैं या किसी एक विषय को जान रहे हैं, उसी में रम रहे हैं, ऐसा। तो हो सकता है कि छवसम रूप शक्ति की वर्तमान में पर्याय में जितनी सामर्थ्य है जानने की, वो ज्यादा हो सकती है, लेकिन व्यक्तता एक काल में एक ही को जानने देखने की होती है, इतनी हमारी पराधीनता है। कि देखो, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान आदि की पराधीनता तो हमने देखी ही,
लेकिन ये तो उपयोग है, जो हमारा उपयोग है ज्ञान दर्शन, इसकी भी कितनी पराधीनता है, ये भी कितना पराधीन होकर रह गया है उस कर्म बंधन रूपी रोग के कारण। तो व्यक्ता एक काल में एक ही को देखने या जानने की पाई जाती है। फिर देखो, फिर उस पे शंका आती है, यहाँ फिर प्रश्न है कि ऐसा तो जाना कि जैसा आपने बताया कि द्रव्य अपेक्षा शक्ति इतनी है, पर्याय अपेक्षा शक्ति इतनी है और व्यक्ता इतनी है, तो ऐसा तो हमने जाना, परंतु क्षयोपशम तो पाया जाता है और बाह्य इंद्रिय आदि का अन्यथा निमित्त होने पर देखना जानना नहीं होता या थोड़ा होता है या अन्यथा होता है, सो ऐसा होने पर कर्म ही का निमित्त तो नहीं रहा। देखो क्या शंका है कि कर्म ने तो इतना क्षयोपशम प्रोवाइड कर दिया हमारे लिए कि तुम इतने विषयों को जान सकते हो, देख सकते हो, तो क्षयोपशम तो हमें इतना पाया जाता है। जैसे हम कहें कि क्षयोपशम तो हमको इतना पाया जाता है कि हम एक 2 किलोमीटर दूर तक जान सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन वो हम उसके लिए बाह्य द्रव्य आदि का निमित्त चाहिए और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस के साथ ही हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, तो कर्म ही का निमित्त तो नहीं रहा ऐसा होने में कि भाई कर्म ने तो हमको इतना क्षयोपशम प्रोवाइड कर दिया था कि हम इतने दूर का जान सकें या हम इतना जान सकें, इतना देख सकें, लेकिन हम इतना जान देख नहीं पा रहे हैं और जितना जान देख पा रहे हैं उसके लिए भी हमें बाह्य द्रव्यों का निमित्त लेना पड़ रहा है कि बाह्य इंद्रिय आदि का, मन आदि का निमित्त बन रहा है, तब देखना जानना हो रहा है, तो कर्म ही का निमित्त क्यों कहते हो कि उसमें कर्म ही का निमित्त तो नहीं रहा। उसमें ये भी कहो कि बाह्य द्रव्य आदि का निमित्त भी हो तभी देखना जानना होता है, केवल कर्म का निमित्त ही क्यों कहते हो। तो देखो पंडित जी उसी एग्जाम्पल को आगे आगे बता रहे हैं। देखो समाधान क्या करते हैं पंडित जी, जैसे रोकने वाले ने यह कहा कि 5 गांव में से एक गांव को एक दिन में जाओ, परंतु इन किंकरों को साथ लेकर जाओ। देखो क्या कह रहे हैं कि रोकने, जैसे कि उसकी शक्ति थी 5 गांव में जाने की, किसी ने उसको रोक दिया कि 5 गांव में जाओ और 5 गांव में से भी एक दिन में एक गांव में जाओ, लेकिन और क्या कहा उससे कि एक दिन में एक गांव में तो जाओ लेकिन इन किंकरों को साथ लेकर जाओ, कि जो ये किंकर हैं इनको भी तुम्हें साथ लेकर जाना है, इनको तुम्हें कहीं छोड़ना नहीं है, बीच में इन किंकरों को साथ लेकर ही जाना है। अब वहां वे किंकर अन्यथा परिणमित हो तो जाना ना हो या थोड़ा जाना हो, वहां वे किंकर अन्यथा परिणमित हो तो जाना ना हो या थोड़ा जाना हो या अन्यथा जाना हो, तो देखो क्या है कि उसको जैसे उन किंकरों को साथ लेके जाना है। अब वे किंकर अन्यथा परिणमित हो जाएं, कि वो किंकर कहीं गिर जाएं, किंकर कहीं खो जाएं या किंकर इधर उधर चले जाएं, तो या तो जाना ना हो क्योंकि किंकरों को साथ लेके जाना है, उसके बिना जाना नहीं है। अब किंकर अन्यथा परिणमित हो गए तो जैसे वो परिणमित हुए, जैसे मान लो वो खो गए, तो जाना ना हो या फिर थोड़ा सा ही जाना हो पाए, उसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, या फिर अन्यथा जाना हो कि वो अन्यथा रूप चले गए तो हमें भी अन्यथा जाना हो जाए, तो ऐसी कंडीशन बनती है। उसी प्रकार कर्म का ऐसा ही क्षयोपशम हुआ है कि इतने विषयों में एक विषय को एक काल में देखो या जानो, कि कर्म का क्षयोपशम तो इतना हुआ है कि इतने विषयों को देखो जानो और उसमें भी वर्तमान में और क्षयोपशम का परिणाम इतना है कि एक विषय को एक काल में देखो या जानो, परंतु इतने बाह्य द्रव्यों का निमित्त होने पर देखो जानो। देखो और क्या कंडीशन लगा दी कर्म ने कि एक काल में एक विषय को देखो या जानो, लेकिन उस विषय को भी इतने बाह्य द्रव्यों का निमित्त होने पर ही देखो या जानो, कि इतने बाह्य द्रव्यों का निमित्त बनेगा तभी देखोगे जानोगे, इतने
इतनी कंडीशन और लगा दी, वहां बे भाई द्रव्य अन्यथा परिणमित हो तो देखना जानना ना हो या थोड़ा हो या अन्यथा हो। अब बाह्य द्रव्य यदि अन्यथा परिणमित हो जाए तो देखना जानना ना हो या थोड़ा हो या अन्यथा हो। जैसे देखो हम और कोई एग्जाम्पल देखें इसमें, जैसे मान लो कि आज हमको, जैसे मान लो शिविर में गए हम और हमको वहां क्लास में जाना है। अब साथ में जो और लोग हैं, जो दो तीन फ्रेंड और हैं, अब उनके साथ ही जाना है, उनके साथ जाने का है कि इनके साथ जाना है। अब कोई तैयार नहीं हुआ, कोई किसी कारण से लेट हो रहा है, कोई किसी कारण से लेट हो रहा है, तो उनके चक्कर में हम भी नहीं जा पाए। तो शक्ति तो हमें इतनी है कि हम उस क्लास में उसी समय जा सके। शक्ति तो वर्तमान में इतनी व्यक्त भी है कि हम उसी समय की क्लास का टाइम होने वाला है तो हम क्लास के टाइम पर वहां क्लास में पहुंच जाए। लेकिन अब उन फ्रेंडों के साथ जाना है कि फ्रेंड्स साथ में होंगे तो ही जाएंगे। तो अब फ्रेंड्स जैसा परिणमित होंगे कि फ्रेंड्स यदि कोई तैयार नहीं हुआ तो उसके लिए वेट करो तो और लेट हो गए, या कोई कहीं मार्केट चला गया कि अभी 5 मिनट में आता हूँ तो फिर उसका वेट करो, या फिर ज्यादा लेट होगा तो उसको बुलाने मार्केट जाओ। तो ऐसा कि अन्यथा जाना भी हो सकता है, थोड़ा जाना हो सकता है, या जाना ही ना हो। अब हो गए इतने लेट हो गए वो कि अब जा ही नहीं रहे। तो ऐसी कि मतलब यदि दूसरों पर डिपेंडेंसी हमारी है तो ऐसी कंडीशन बनती है। तो वैसा ही यहाँ पे है कि एक विषय को एक काल में देखना जानना तो है, लेकिन इतने बाह्य द्रव्यों का निमित्त होने पर ही देखना जानना हो सकता है। तो उन बाह्य द्रव्यों का जैसा परिणमन होगा उसके अकॉर्डिंगली हम देख पाएंगे, जान पाएंगे। जैसे देखो मती ज्ञान में एग्जाम्पल दिया था कि हमें छह ऑप्शन तो इतना है कि हम अपनी आंखों से देख सकें, मीन्स हम अपनी आंखों से देख सकें, इतना हमें छह ऑप्शन है। जो कितनी एरिया तक देख सकें वो बात अलग है, लेकिन देख सकते हैं कितनी भी एरिया की लिमिट हो उतना हम देख सकते हैं, इतना छह ऑप्शन हमें है। लेकिन अब नजरें कमजोर हो गई कि चश्मे के बिना नहीं देख सकते, चश्मा चाहिए ही चाहिए। तो अब चश्मा खो जाए या इधर का उधर रखा जाए तो हमें देखना ना हो, यही चश्मा नहीं है तो उसके बिना हम देख नहीं पाते। अब चश्मा हमारा खो गया तो देखना नहीं हो पा रहा, या इधर का उधर हो गया तो फिर अब उसको ढूंढते रहो इतनी देर की, मतलब देखना ना हो या थोड़ा देखना हो या अन्यथा देखना हो ऐसा। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे है कि बाह्य द्रव्यों का निमित्त होने पर ही देखना जानना होगा। तो बाह्य द्रव्य जैसा परिणमित होंगे उस परिणमन के अनुसार ही हो सकता है कि देखना जानना ना हो या थोड़ा हो या अन्यथा हो, इतनी उसकी पराधीनता हो गई। देखो पहले ही पराधीनता इतनी थी कि छह उपशम था पांचों इंद्रियों के विषयों को जानने का, लेकिन एक काल में एक ही इंद्रिय के विषय को जान रहे थे, और उस एक इंद्रिय के विषय में भी उसके एक ही प्रभेद को जान रहे थे। कि जैसे उष्ण को जाना तो शीत को नहीं जाना, जैसे सुगंध को जाना तो दुर्गंध को नहीं जाना, तो ऐसे उसको जान रहे थे। और उसको जानने में भी इतने बाह्य द्रव्यों का निमित्त चाहिए तब देखना जानना हो, इतनी ज्यादा पराधीनता उस कर्म के कारण हो गई। और देखो ये जो पराधीनता चल रही है वो ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के कारण चल रही है। और वास्तव में देखो पंडित जी ने पहले कहा था कि बंद का कारण तो मोहिनीय है, कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के कारण जितना ज्ञान प्रकट नहीं है उसके कारण भी बंद नहीं है, और जितना ज्ञान प्रकट है उसके कारण भी बंद नहीं है। तो ये तो देखो कि ये पराधीनता तो उस कर्म के कारण है जो वास्तव में बंद का कारण नहीं है, मुख्य रूप से बंद का कारण नहीं है, उसके कारण इतनी पराधीनता है। तो मोहिनी में तो देखेंगे कितनी पराधीनता हो गई। तो ये तो पराधीनता उस कर्म के कारण है जो वास्तव में संसार भ्रमण का हम कहें कि कारण नहीं है, क्योंकि बंद का कारण तो मुख्य रूप से पंडित जी ने क्या बताया, मोहिनी है। तो देखो क्या आगे क्या कह रहे हैं कि वहां वे बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमित हो तो देखना जानना ना हो या थोड़ा हो या अन्यथा हो, ऐसा यह कर्म के छह उपशम ही का विशेष है। इसीलिए कर्म ही का निमित्त जानना कि जितना भी ये है ये क्या है, छह उपशम ही का विशेष है। देखो कल जब
पैराग्राफ में जो ये पैराग्राफ था ज्ञान दर्शन उपयोग की प्रवृत्ति का, उसमें पंडित जी ने बताया था कि छम की शक्ति तो इतनी है, लेकिन जो वर्तमान में परिणमन हो रहा है उसको क्या कहा था कि छम का विशेषपना। देखो देख मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ था कि छम से शक्ति तो ऐसी बनी रहती है, परंतु परिणमन द्वारा इतना जानना होता है, इस परिणमन ही का नाम उपयोग है। मीन्स की शक्ति तो ज्यादा हो सकती है, लेकिन परिणमन द्वारा जितना जानने में आ रहा है उतना ही उस समय उपयोग है। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि इतना जो देखना जानने में आ रहा है कि एक विषय को एक काल में देखना जानना, इतने बाह्य द्रव्यों के निमित्त के कारण ही देखना जानना, तो ना ये सब क्या है, सर्वसम का ही विशेष है। तो एक हम कहें कि सामान्य रूप सर्वसम तो कितना हो गया कि जो सर्वसम की शक्ति है कि हम इतना देख सकते हैं जान सकते हैं, उसको तो हम कहें कि सर्वसम का सामान्यपना, और सर्वसम का विशेषपना कि वर्तमान में जितना हमारा परिणमन हो रहा है उसको क्या कहा कि सर्वसम का विशेषपना इतना ही है कि तुम इतना देख सकते हो जान सकते हो। तो ऐसा सर्वसम को एक दो रूपों में कह दिया, एक सामान्य रूप में एक विशेष रूप में। तो इसीलिए कर्म ही का निमित्त जानना कि निमित्त तो कर्म का ही है, क्योंकि जितना भी यह परिणमन पना हो रहा है कि बाह्य द्रव्यों के निमित्त से देखना जानना, एक विषय को एक काल में देखना जानना, ये सारा सर्वसम का ही विशेष है। तो है तो इसमें कर्म ही का निमित्त। ऊपर जो बात आई थी ना कि कर्म का निमित्त क्यों कहते हो, बाह्य द्रव्यों का भी निमित्त कहो, तो है तो वास्तव में वो कर्म का ही निमित्त। देखो और क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं पंडित जी, जैसे किसी को अंधकार के परमाणु आड़े आने पर देखना नहीं हो, उल्लू बिल्ली आदि को उनके आड़े आने पर भी देखना होता है, सो ऐसा यह छम ही का विशेष है। देखो जैसे हम हैं तो हमारा छम कितना है कि हम जब जिस समय उजाला हो, जिस समय लाइट हो, उस समय देख सकते हैं जान सकते हैं, लेकिन जहां अंधेरा है वहां पर हम देख जा नहीं सकते। देखो दिन में उजाला है तो दिन में देख सकते हैं, रात को आर्टिफिशियल लाइट है तो उससे देख सकते हैं, लेकिन बाहर की तरफ अंधेरा है तो वहां अंधेरे में नहीं देख सकते। इतना हमारा छम का विशेषपना है। मीन्स छम का तो वर्तमान में परिणमन पना है वो इतना ही है कि अंधकार आने पर हम नहीं देख सकते, लेकिन उल्लू बिल्ली आदि जो है वो अंधकार अंधेरे में भी देख सकते हैं कि अंधकार के परमाणु आड़े आ जाए तो भी उनको देखना होता है। तो देखो उल्लू बिल्ली आदि भी कैसे हैं, पंचेंद्रिय जीव हैं, और हम भी पंचेंद्रिय जीव हैं। हमारा सर्वसम इतना है कि हम पांच इंद्रियों के विषयों को जान सकें, लेकिन फिर भी अंधकार के परमाणु आड़े आने पर देखना नहीं हो रहा है, तो वो सर्वसम का विशेषपना है। लेकिन उल्लू बिल्ली आदि को अंधकार के परमाणु आड़े आने पर भी देखना हो रहा है, उनका छम का विशेषपना ऐसा है कि वो उसमें भी देख सकते हैं। अब जैसे देखो उल्लू है तो वो अंधेरे में देख सकता है, उजाले में नहीं देख सकता, तो ये उसके छम का विशेषपना है कि वो उजाले में नहीं देख सकता, अंधेरे में देख सकता है। और जैसे बिल्ली है तो वो तो उजाले में भी देख लेती है, अंधेरे में भी देख लेती है, तो उसका छम का विशेषपना ऐसा है। तो वो जो क्रिया है वो छम के विशेषपने रूप होती है। सो ऐसा यह छम ही का विशेष है, जैसा जैसा छम होता है वैसा वैसा ही देखना जानना होता है, कि जिसका जैसा छम होता है वैसा वैसा ही देखना जानना होता है। देखो जैसा जैसा छम होता है, तो यहाँ पर छम को कैसा लेना, विशेषपने रूप से कह रहे हैं कि शक्ति अपेक्षा तो हो सकता है ज्यादा देखना जानना हो, कि शक्ति इतनी हो कि हम ज्यादा देख सकें जान सकें, लेकिन छम का विशेषपना जैसा जैसा होता है वैसा वैसा ही देखना जानना होता है। इस प्रकार इसी जीव के छम ज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है, कि इस प्रकार इस जीव के छम ज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है कि जो छम ज्ञान है उसकी इतनी पराधीनता है, तथा मोक्ष मार्ग में अवधि मन पर्य होते हैं वे भी छम ज्ञान ही हैं, उनको भी इसी प्रकार एक काल में एक को प्रतिभाषित करना
तथा पर द्रव्य का अधीन पना जानना तथा जो विशेष है सो विशेष जानना। देखो क्या कह रहे हैं कि जो अवधि मन परिय ज्ञान है वो मोक्ष मार्ग में जो अवधि मन परिय ज्ञान होते हैं। देखो अब मोक्ष मार्ग में लिखा कि मोक्ष मार्ग में अवधि मन परिय ज्ञान लेते हैं तो वहां पर अवधि ज्ञान को सुअवधि वाला लेना, कुअवधि वाले की बात नहीं की यहाँ पर। तो अवधि मन परिय होते हैं वे भी कैसे हैं, छह ऑप्शन रूप हैं, उनको भी इसी प्रकार एक काल में एक को प्रतिभाषित करना तथा पर द्रव्य का अधीन बना जानना। जैसे देखो उसमें भी क्या है, जैसे अवधि ज्ञान है तो वो भी एक छह ऑप्शन ज्ञान है कि जितना छह ऑप्शन में उतना देख सकते हैं जान सकते हैं, लेकिन उसमें भी क्या है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा एक शक्ति रूप है कि हमको छह ऑप्शन इतना है कि हम इतने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जान सकें अवधि ज्ञान से, लेकिन उसमें भी छह ऑप्शन का विशेषपना हो सकता है कि हम उसमें भी एक लिमिट लेके देखें जाने कि जैसे हम कहें कि क्षेत्र अपेक्षा हम जान सकते हैं कि एक वर्ष पहले का जान सकते हैं अवधि ज्ञान में कि हमें छह ऑप्शन इतना है कि हम एक वर्ष पहले का और एक वर्ष आगे का इतना अवधि ज्ञान हमें है कि हम इतना देख सकते हैं जान सकते हैं, इतना हमें छह ऑप्शन रूप शक्ति है। लेकिन एक काल में जरूरी नहीं है कि वो इतना ही देख पाए, हो सकता है कि उसको किसी काल में एक दिन पहले का ही देख पाए, एक दिन आगे का ही देख पाए, तो ऐसा भी हो सकता है। और उसमें भी क्या है कि परद्रव्य का अधीन बना भी है कि जैसे अवधि ज्ञान में रूपी द्रव्य को ही देख सकते हैं और रूपी द्रव्यों को नहीं जा सकते, तो वहां पर क्या हुआ कि उस रूपी द्रव्यों के भी अधीन हो गए कि रूपी द्रव्य होगा तो ही देखना जानना होगा, यदि रूपी द्रव्य नहीं हुआ तो अवधि ज्ञान से देखना जानना नहीं होगा। तो ऐसा ही वहां भी अधीनपना जानना तथा जो विशेष है सो विशेष जानना, मीन्स की मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा जो उसमें विशेष है कि जैसे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में तो क्या है अप्रत्यक्ष रूप से देखना जानना हो रहा है, लेकिन अवधि मन परिय में क्या है एक प्रत्यक्ष रूप से जाना देखना हो रहा है। जैसे कहा है जैसे केवल ज्ञान में देखना होता है वैसा अवधि ज्ञान मन परिय ज्ञान में देखना होता है, देखना जानना होता है, लेकिन वहां कोई लिमिट नहीं है और यहाँ पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की लिमिट है। तो ऐसा कि जो विशेष है सो विशेष जानना कि अवधि मन परिय ज्ञान में जो विशेष है सो विशेष जानना। इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय के निमित्त से बहुत ज्ञान दर्शन के अंशों का तो अभाव है और उनके छह ऑप्शन से थोड़े अंशों का सद्भाव पाया जाता है। कि देखो जो ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय के निमित्त से क्या है कि बहुत ज्ञान दर्शन के अंशों का तो अभाव है, क्योंकि जीव की शक्ति तो कैसी है कि वो एक समय में तीनों लोकों को तीनों कालों के सभी द्रव्य गुण पर्यायों को प्रत्यक्ष युगपत जान सके। ज्ञान दर्शन के अंश कि उसको जान सके देख सके उसके ध्यान ज्ञान दर्शन के अंश तो इतने हैं, लेकिन ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय के निमित्त से उसके बहुत ज्ञान दर्शन के अंशों का को अभाव है, या हम कहें कि मैक्सिमम तो अभाव ही है कि जो उघाड़पना है ज्ञान का वो तो वो थोड़ा सा है, बाकी तो जितना ज्ञान दर्शन के अंश हैं कि हम कहें कि ये मेजोरिटी में कहें तो उसका तो अभाव है। हम यदि कहें ना कि जैसे मान लो कि 100% अंश हैं ज्ञान दर्शन के तो 99.9999% तो अभाव है, इतना तो उस ज्ञान का अभाव है, वो तो 0.00001 ये कहें हम कि इतने का सद्भाव है, वो भी किसके कारण है छह ऑप्शन से, कि उस छह ऑप्शन से इतना कि 0.00001% इतना सद्भाव है। और ये सद्भाव भी क्या शक्ति अपेक्षा कि इतना शक्ति अपेक्षा सद्भाव है, उसमें भी फिर जो पराधीनता है कि एक ही विषय को देख सकते हैं एक काल में उसके एक ही भेद को देख सकते हैं कितने बाह्य द्रव्यों का निमित्त होने पर देख सकते हैं वो भी सारी पराधीनता लगाना। तो इसमें विचार करें कि ज्ञानावरण दर्शनावरण जो मुख्य रूप से बंध के कारण भी नहीं है उस कर्म के कारण यह जीव कितना पराधीन है। देखो पांचों पांचों नहीं चारों ज्ञानों की बात है,
पांचवा ज्ञान तो क्या केवल ज्ञान है वो तो जो बाकी के चार ज्ञान है उनकी हमने पराधीन प्रवृत्ति देखी। दर्शन में भी जो तीन ज्ञान थे, चौथा ज्ञान कौन सा था? केवल दर्शन। तो सच्चु असच्चु अवधि दर्शन थे, इन तीन दर्शन और मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान, ये चार ज्ञान इनकी हमने पराधीन प्रवृत्ति देखी थी कि इनके कारण यह जीव कितना पराधीन है। कि मीन्स ज्ञान अपना होते हुए कि जो ज्ञान है वो किसी दूसरे का नहीं है, वो ज्ञान तो मेरा स्वभाव है, वो ज्ञान तो मेरा है, लेकिन वो ज्ञान मेरा होते हुए भी मैं इस कर्म बंधन रूपी रोग के कारण इतना पराधीन हो गया हूँ कि उसके बिना देख नहीं सकता, जान नहीं सकता। कि मुझे पांचों इंद्रियों का निमित्त चाहिए, सारी कंडीशंस चाहिए, उसके बाद ही मैं देख सकता हूँ, जान सकता हूँ, इतना मैं पराधीन हो गया। और उसके बाद फिर ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग की पराधीन प्रवृत्ति बताई कि वो उपयोग ही कितना पराधीन है। कि छवसम ज्यादा होते हुए भी जितना छवसम है मैं उतना देख जान नहीं पा रहा हूँ। तो वो भी है ना, क्या है कि उसमें भी कर्म का निमित्त बना है, उस कर्म के कारण मैं इतना पराधीन हो गया। तो इसीलिए हमें कर्म तो निमित्त है, उसका तो उपादान कारण है, वो तो स्वयं की भूल है, स्वयं के पुरुषार्थ की कमजोरी है। इसीलिए हमें उसका ये पराधीनपना हमारा मिटे, और जितना अभी वर्तमान में छवसम रूप शक्ति है उतना भी यदि हमको प्रगटपने हो जाए तो स्वयं का भेद विज्ञान करके हम सम्यक दर्शन ग्रहण कर सकें, इतना हम सबको छवसम प्राप्त है। इसीलिए तत्वों का चिंतन मनन में लगें, स्वाध्याय आदि करें, तत्व चर्चा करें कि जिससे वो छवसम वृद्धि को प्राप्त हो। कि जितनी शक्ति रूप से छवसम हमको प्रकट है उतना हमको व्यक्त पने रूप में भी प्रकट हो, तो उस रूप हम पुरुषार्थ करें, ऐसा ऐसी मंगल भावना के साथ अभी यहीं तक करते हैं। मोहिनीय कर्मोदयजन्य अवस्था कैसी है? कि जो मोहिनीय कर्म के उदय के कारण अवस्था होती है जीव की, वो कैसी होती है? ये वाला जो वर्ण आने वाला है प्रकरण, वो मतलब बहुत ही मार्मिक भी है, एक हम कहें कि वैराग्य प्रेरक भी है, और वास्तव में हमारे नेत्रों को खोल देने वाला है कि वास्तव में हम कर क्या रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलेगी कि जो मोहिनी कर्मोदयजन्य अवस्था कैसी है, उसको हम कल देखेंगे। अभी यहां तक किसी को कोई शंका हो तो पूछ लें। जिनवाणी स्तुति करते हैं। हे जिनवाणी भारती, तोए जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो। सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो। पंच परमिष्टि के स्मरण पूर्वक नौवा नवका मंत्र का जाप करते हुए कायोत्सर्ग करेंगे। नमो अरिहंत।